Students, welcome to maths class. Today again we are continuing with the same chapter, linear equations in one variable. Learning outcomes means after watching this video you will be able to reduce the given linear equations in the form ax plus b equal to 0. After reducing the equation you will be able to find the solution of those equations. So let's continue with worksheet 1. Question is, solve the following equation and check your answer. Means firstly we have to solve the given equation. After that we have to check the answer. Solve means we have to find the unknown value. Unknown kya hai isme beta? Unknown is variable x. So mujhe x ki value find out karni hai. Chaliye start karte hain. You can see कि left hand side और right hand side दोनों ही simplified form में नहीं है. यहाँ brackets को मुझे पहले open करना है, इसको simplify करना है. So 3x plus 2 into x 2x 2 into 2 4. bracket expand कर दी हमने. इधर 20 minus 2x minus into minus plus 5. So equal to sign के दोनों तरफ ही x वाली terms है बेटा. So x वाली terms हमारा वही rule कि x वाली terms हम एक तरफ ले आएंगे. 3x plus 2x इधर जो minus 2x है on transposing यहाँ पे क्या हो जाएगा plus 2x और constant terms एक तरफ ले जाइए. 20 plus 5 4 जो इधर constant plus का है इधर आके minus का. So that is 2x plus 3, 3x plus 2x, 5x, 5 plus 2, 7. It is 7x equal to 20 plus 5, 25 minus 4, that is 21. So, that is 7x beta 21 hai. Mujhe to x chahiye, jo x ke saath multiplied mein hai. Transposing ke waqt wo kahan chala jata hai? Jab dusri taraf aata hai, division mein. Yes. अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है. 7 1 7 7 3 21. सो वी हैव x इक्वल टू 3. मुझे x की वैल्यू क्या मिली है 3. नाउ वी हैव टू चेक द आंसर. वो कहता है ना सॉल्व करने के बाद क्या करना है, मुझे चेक करना है. मींस मैं x इक्वल टू 3 वैल्यू के लिए इस गिवन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल मिल जाती है इट मींस ये हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है. तो चलिए हम चेक करते हैं. चेक पार्ट किसके लिए चेक करना है, फॉर द गिवन जो हमें x की वैल्यू मिली है दैट इज 3. सो आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x प्लस 2 into x plus 2. So, जहां पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे 3. 3 into 3 plus 2 into 3 plus 2. This is equal to 3 threes are 9 plus 2 into 3 plus 2 in the bracket. It is 5. This is equal to 9. 2 fives are 10. So, 9 plus 10 equal to 19. तो चलिए राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं. अगर राइट हैंड साइड में हमें 19 मिल गई इट मींस जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमारी करेक्ट है. इस वजह से हमारा आंसर भी चेक हो जाता है बेटा. 20 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5. 20 माइनस 2 3 इज़ 6 माइनस 5. 6 माइनस 5 इज 1. 20 माइनस 1 दैट इज 19. Here you can see left hand side and right hand side both are equal. So LHS equal to RHS. So it means jo humne solution find out kiya hai. Therefore x equal to 3 is the solution of given equation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द गिवन इक्वेशन 2z माइनस 7 माइनस 3 इंटू 3z प्लस 8 इक्वल टू 4z माइनस 9. सो बेटा सेम वे
कि लेफ्ट हैंड साइड को मुझे पहले सिंप्लीफाई करना है. सो लेट सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स ब्रैकेट को पहले एक्सपैंड कर ले. 3 × 3 = 9, −9z − × +−3 × 24 = 4z − 9. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. अब वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ ले आइए, 2z − 9z, जो 4z इधर है ट्रांसपोजिंग के टाइम प्लस चेंजेस टू माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में आते ही माइनस हो जाएगा. कॉन्स्टेंट टर्म्स एक तरफ रखिए, −7 कॉन्स्टेंट टर्म है, −24 कॉन्स्टेंट टर्म है. ये जब दूसरी तरफ जाएंगे बाय ट्रांसपोजिंग तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, +7 + 24. सो दैट इज 2z − 9z गिव्स यू −7z. −7z − 4z, इट इज −11z. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान से, इंटीजर्स हमारा स्ट्रांग होना चाहिए. ये 9 जो है नेगेटिव साइन का है और ये दोनों पॉजिटिव साइन के हैं. सो सबसे पहले ये प्लस होंगे, 24 + 7 इट इज 31. 31 − 9 गिव्स यू 22. सो दैट इज z = 22 / −11. सो 11 पे कटिंग हो रही है, 11 × 11 = 11, 11 × 22, नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा. सो वी डू हैव z = −2. वैल्यू क्या मिली है, z = −2. अब हम इसे चेक पार्ट में चेक करेंगे. चेक पार्ट के लिए बेटा हम क्या करते हैं, यस, जो वैल्यू z की आई है उसके लिए हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट साइड के इक्वल मिल रहा है, इट मींस हमारा ये सॉल्यूशन ठीक है. और z = −2. सो आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 2z − 7 − 3 × दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, 3 × 3z + 8 दिस इज इक्वल टू, z के प्लेस में बेटा मैं क्या पुट करूंगी, यस, −2 इन द ब्रैकेट, 3 × −2 + 8. चलिए इसे सॉल्व करिए, 2 × 4 − 4 − 7 − 3 × 3 × 6 + −−+8. सो −7 − 4 गिव्स यू −11, −3 × −6 + 8 गिव्स यू 2. सो वी हैव −11 − 6, दैट इज −17. ये लेफ्ट हैंड साइड में मुझे −17 वैल्यू मिली है. चलिए अब राइट साइड चेक करते हैं, अगर दोनों इक्वल आ गए इट मींस z = −2 इज द सॉल्यूशन. बेटा कई बार पेपर में चेक योर आंसर नहीं पूछा जाता, सिर्फ कहा जाता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. तो बेटा उस वक्त हमने सिर्फ z की वैल्यू निकाल के छोड़ देना है, उस वक्त हमें ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है. 4z − 9, सो z के प्लेस में हम क्या पुट कर रहे हैं, 4 × z के प्लेस में हम −2 पुट कर रहे हैं, 4 × −2 दैट इज −8 − 9, −8 − 9, यस इट इज इक्वल टू −17. सो इन दिस वे यू कैन सी ऑन बोथ द साइड वी गेट सेम वैल्यू, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore z = −2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. जैसा कि अभी मैंने बताया कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि चेक पार्ट पूछा जाए, तो हमें ये पार्ट फिर नहीं करना है, z = −2 पे छोड़ देना है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे प्रैक्टिस करने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x/2 − x/3 = x/4 + 1/2. अगेन वी हैव टू सॉल्व इट. सो इक्वल टू के दोनों तरफ ही x वाली टर्म्स हैं,
तो बेटा हम x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, x by 2 minus x by 3, यहाँ x by 4 plus का है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज माइनस का हो जाएगा. सो यू कैन सी तीनों टर्म्स x की टर्म्स है, तीनों ही एड सब्ट्रैक्ट होंगी, लाइक टर्म्स हैं. सो व्हाइल एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी कैन सी डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, मींस वी हैव टू टेक एलसीएम. यस, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4. यस, इट इज 12. सो 12 इज द एलसीएम. सो 2 ने 12 को डिवाइड किया, वी गेट 6. 6 ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x. नेक्स्ट 3 ने 12 को डिवाइड किया, 4 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वी गेट 4x. नेक्स्ट माइनस 4 ने अब 12 को डिवाइड किया, वी गेट 3. 3 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज माइनस 3x इक्वल टू 1/2. नाउ सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर, एड सब्ट्रैक्ट करिए, 6x माइनस 4x गिव्स यू 2x. 2x माइनस 3x इट इज माइनस 1x, और यू कैन से माइनस एक्स ओवर 12 इक्वल टू 1/2. सो यहाँ पे मुझे एक्स चाहिए, माइनस एक्स इक्वल टू 12 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो इधर डिवीजन में है, इट इज 12/2. सो कैंसिलेशन हो रही है, 2 1s are 2, 2 6s are 12, दैट इज माइनस एक्स इक्वल टू 6 है. मुझे तो एक्स चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यस एक्स इक्वल टू माइनस 6. हैज वी हैव सॉल्व द गिवन इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द गिवन इक्वेशन. सो बेटा सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना होगा बाय टेकिंग एलसीएम. चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज 2, इट इज 6y प्लस 1 प्लस डिनोमिनेटर में क्या है 1, वो 1 किसको डिवाइड करेगा 2 को, वी गेट 2, वो 2 न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इज 2 इक्वल टू 7y माइनस 3 ओवर 3. राइट हैंड साइड एज इट इज, सो न्यूमरेटर को सॉल्व करिए, 6y 1 प्लस 2, दैट इज 3/2 इक्वल टू 7y माइनस 3/3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, जब ऐसे डिनोमिनेटर में होती हैं टर्म्स तो हम तब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 3 इधर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, 6y प्लस 3, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7y माइनस 3. बेटा एक बात यहाँ याद रखने वाली है, जब 3 ने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ ब्रैकेट जरूर डालनी है, एग्जाम्स में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं. तो 2 जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर वाली, तो इट शुड बी इन द ब्रैकेट. सो नाउ सिंप्लीफाई द ब्रैकेट, 6 3s are 18y प्लस 3 3s are 9, 2 7 2 into 7y, दैट इज 14y प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6. अब y वाली टर्म्स एक तरफ ले आइए, 18y माइनस 14y इक्वल टू माइनस 6. 9 जब इधर आएगा बाय ट्रांसपोजिंग उसका साइन चेंज हो जाएगा, वी गेट माइनस 6 माइनस 9. अब मैं इस तरफ सॉल्व कर रही हूँ बेटा, 18y माइनस 14y गिव्स यू 4y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9, दैट इज माइनस 15. सो y इक्वल टू माइनस 15/4. हेंस वी हैव सॉल्व द given equation. I hope now you can easily solve the given assignment questions. Thank you.